फलनों का संयोजन संबंध फलन में उदाहरण 17। यदि एफ एक्स आपके पास दिया है 3x+4 डिवाइड बाई 5x-7 द्वारा परिभाषित फलन है, एफ जो है r-7/5 से r-3/5 तथा gx=7x+4 डिवाइड बाई 5x-3 द्वारा परिभाषित फलन है, जी जो है r-3/5 से r-7/5 द्वारा प्रदत्त है। तो सिद्ध कीजिए कि FOG=IA और गॉफ जो फंक्शन है वो है IB। इस प्रकार है कि IAx=x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, IBx=x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ a=r-3/5, b=r-7/5 है तथा IA और IB को समुच्चय A और B पर तत्समक फलन कहते हैं। तत्समक फलन क्या होता है? सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं कि तत्समक फलन क्या होता है। कोई भी फंक्शन है, अगर ये फंक्शन x के जो भी वैल्यू यहाँ पर रखे, इसके डोमेन के लिए x डोमेन में जितनी भी x की वैल्यू है उसके लिए इस फंक्शन का मान वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जैसे x का जो भी मान रखेंगे हमको वही x वापस प्राप्त हो जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं तत्समक फलन। जैसे एक फंक्शन है fx=x, इसको हम तत्समक फलन बोलेंगे। तो कोई भी रियल फंक्शन मतलब रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर अगर एक फंक्शन f है तो उसको रियल फंक्शन बोलते हैं। अब उसको तत्समक फलन तब कहेंगे जब उस फंक्शन में हम उस डोमेन के जो भी अवयव रखेंगे उस फंक्शन का मान जो है हमको वही एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं तत्समक। जैसे मान लो ये x है और fx के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, तो 0 रखने पर fx की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। 1 रखने पर 1, 2, 3। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है। और -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? -1। -2 रखने पर -1, -1, -2, -3। इस तरीके से आपको एलिमेंट प्राप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन हमारा कहलाएगा तत्समक फलन। तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है आपका, आइडेंटिकल मतलब सेम, समान। आपको फंक्शन का मान जो भी में एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे फंक्शन का मान एक्स की वही वैल्यू के रूप में आपको मिल जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं तत्समक फलन। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर तत्समक जो फलन होता है आपका, यहाँ पर IA मतलब ये A पर तत्समक फलन है। A के कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको वो A का वही एलिमेंट देगा, ये फंक्शन जो है A का वही एलिमेंट को देगा। और यहाँ पर जो गॉफ फंक्शन है वो IB है, मतलब गॉफ जो है एक तत्समक फलन के रूप में प्राप्त होगा, वो भी किस पर? समुच्चय बी पर। बी के कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो वो बी का वही एलिमेंट आपको उस फंक्शन में मान के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है ये। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हल में fx=3x+4 5x-7 और gx क्या है 7x+4 / 5x-3। एफ जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिया है कि r-7/5। r-7/5 क्या है? सेट बी है आपका, तो ये बी से ए की ओर है। और जो जी फंक्शन है आपका वो ए से बी की ओर है। इतना आपको क्लियर है? और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो गॉफ फंक्शन मिलता है और फॉग फंक्शन मिलता है, दोनों तत्समक फलन है। फॉग फंक्शन जो है सेट ए पर आपका तत्समक फलन है और गॉफ जो है आपका बी पर तत्समक फलन है, तो ये आपको बताना है। मतलब ये है कि आपको वही ए के एलिमेंट रखने पर आपको ए का वही एलिमेंट मिल जा रहा है, तो इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर है वैसे भी कि ये एफ जो फंक्शन है बी से ए की ओर है। बी क्या है? रियल नंबर का सेट है। बी एक सेट है, वो भी क्या है? रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, बस कौन सा नंबर नहीं है? 7/5 को हटाने के बाद जो रियल सेट प्राप्त होता है वो है हमारा सेट बी। तो वैसे भी यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फंक्शन में जैसे ही हम x के स्थान पर 7/5 रखते हैं तो 5 और 5 जो है आपका कट जाता है और यहाँ पर क्या मिलता है? 7। 7 फंक्शन है b से a की ओर है। b क्या है? रियल नंबर का सेट है। b एक
सेट है, वो भी क्या है, रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, बस कौन सा नंबर नहीं है, 7/5 को हटाने के बाद जो रियल सेट प्राप्त होता है वो है हमारा सेट बी। तो वैसे भी यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फंक्शन में जैसे ही हम एक्स के स्थान पर 7/5 रखते हैं तो 5 और 5 जो है आपका कट जाता है और यहाँ पर क्या मिलता है, 7। 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये जो हर में आपका 0 आ जा रहा है, हर में 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा 7/5 के लिए, इसलिए इसका डोमेन क्या है, रियल सेट है, लेकिन उसमें 7/5 को इंक्लूड नहीं किया है। उसी तरीके से दूसरा भी है, तो हम यहाँ पे लिख लिए एफ एक्स इजिकल टू इतना, जी एक्स इजिकल टू इतना, एफ फंक्शन बी से ए की ओर है, जी फंक्शन ए से बी की ओर है। अब हमको फॉर फंक्शन के बारे में लिखना है, जो फॉर फंक्शन जो है आपका एफ जी एक्स, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास एफ फंक्शन आपका क्या है, 3x + 4/5x - 7, तो जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर जी एक्स प्लस 4/5 जी एक्स माइनस 7। तो आपको मालूम है कि जी एक्स क्या है, 7x + 4/5x - 3 4/5। यहाँ जहाँ जी एक्स है उसके स्थान पर ही लिख देंगे ध्यान से एकदम, थोड़ा सा अगर इधर से उधर गलत लिख दिए तो पूरा आंसर आपको गलत आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -7। जब इसको हल कर लेंगे आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, 20x इसको करेंगे 12 और कट जाएगा, यहाँ पर 35x और ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 41x और यहाँ बच जाएगा आपका 41। तो ये x मिल रहा है, तो ये जो फॉर फंक्शन है वो हमको मिल गया, यहाँ पर x ही मिल गया। ऐसे यहाँ पर हम इसको गॉफ फंक्शन ज्ञात कर लेंगे, जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जहाँ जहाँ आपके पास इस फंक्शन में एक्स है वहाँ हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो 7x के स्थान पर आ जाएगा एफ एक्स जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने क्या रख दिया, एफ एक्स। और आपको मालूम है कि एफ एक्स क्या दिख रहा है, 3x + 4/5x - 7 + 4/5 एफ एक्स, फिर हमने यहाँ पर वही लिखा 3x + 4/5x - 7 - 3। अब इसको हल कर लेंगे, 21x 28 20x 28 डिवाइडेड बाय 15x 20 15x 21 15x 15x और 28 28 कट गया, बचा 41x / 41 मतलब x। तो यहाँ पर जो गॉफ फंक्शन मिल रहा है वो फंक्शन आपका, आपको यहाँ पर बताया गया था कि ये जो गॉफ फंक्शन है वो सेट बी पर, सेट बी पर होगा यहाँ पर, तो सेट बी पर तत्समक फलन होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि गॉफ जो फंक्शन है वो मिल रहा है आपको x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, इस तरीके से आपको लिखना है। और मतलब b इस गॉफ फंक्शन का डोमेन हुआ और b के कोई भी एलिमेंट आप इसमें रखेंगे तो ये जो एलिमेंट, ये जो है आपका यहाँ पर
आपको ये देगा कि वही बी का वही एलिमेंट देगा, तस्मक फलन मिलेगा। तो हम यहाँ पर आई बी इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से हम इसको हल करें। तरीके से हमको जो फॉग फंक्शन मिल गया एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो है आपका ये जो फॉग फंक्शन मिल गया है वो आपका आई ए मिला है, मतलब ए पर तस्मक फलन मिला है आपको। ए के कोई भी एलिमेंट इसमें रखेंगे तो आपका ए का वही एलिमेंट आपको इमेज के रूप में मिलेगा। उसी तरीके से गॉफ को भी ज्ञात कर लेंगे, गॉफ जो हमको मिलेगा आई बी के रूप में मिलेगा। बी के कोई भी एक्स की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो हमको इमेज के रूप में एक्स की वही वैल्यू मिलेगी, बी की वही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से गॉफ जो है आई बी मिलेगा हमको, ये दोनों ही तस्मक फलन के रूप में मिलेंगे, एक ए सेट पर और एक बी सेट पर। अब इस तरीके से हम यहाँ पर गॉफ को भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे।